मुंबई के बोरीवली में रहने वाली एक 76 वर्षीय महिला को उसी की कंपनी में पहले काम कर चुके एक कर्मचारी ने 3,14,00,000 रुपए का चूना लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन पैसों को बचा लिया और वो दूसरे खाते में ट्रांसफर होने पर फ्रीज कर दिया गया। इस मामले में बोरीवली पुलिस ने नरेश भगत सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 26 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एक वृद्ध महिला के डीमैट अकाउंट से 3,00,00,000 से ज्यादा के शेयर्स उनकी नॉलेज के सिवाय ट्रांसफर किए गए थे। जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला, हमने इमीडिएटली वो ट्रांसफर वहीं पे रोका, जिससे वो उसके महिला के पैसे का नुकसान नहीं हुआ। और अभी उसी में तांत्रिक माहिती के आधार पर हमने मुख्य आरोपी नरेश कुमार भगत सिंह 44 वर्ष के इस व्यक्ति को दिल्ली से परसों अरेस्ट किया है। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद 26 नवंबर तक का उसको पुलिस कोठड़ी मंजूर किया है। पिछले मई महीने में 76 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके डीमैट अकाउंट से 16 कंपनियों ने 3,14,00,000 रुपए के शेयर्स दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और ट्रांसफर शेयर को तत्काल फ्रीज करते हुए अनजान व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस मामले की जांच करते हुए नवंबर में नरेश भगत सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाई और पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल लिया। नरेश भगत सिंह पहले महिला की कंपनी में काम करता था और उस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखता था। आरोपी ने महिला के फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से एड्रेस और मोबाइल नंबर बदली कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने मरे हुए आदमी के नाम पर डीमैट अकाउंट बनाकर उसमें 3,14,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने सभी शेयर्स को भी बेच दिया। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद अकाउंट को फ्रीज कर दिया। आरोपी खुद शेयर्स खान ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड दोनों ही कंपनियों में काम कर चुका है। आरोपी को शेयर्स मार्केट के बारे में बहुत जानकारी है, जिसके लिए आरोपी ने इस तरह से फर्जी पेपर और साइन करके करोड़ों की ठगी की है। फिलहाल पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि और कितने लोगों के साथ इस तरह की ठगी हुई है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।